हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं डीटीवी इंडियाज़ ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज़ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं कोडेक ब्रांड के लेटेस्ट एंड फीचर लोडेड स्मार्ट टीवी की। स्मार्ट टीवी अडॉप्शन की वजह से हमारा एंटरटेनमेंट करने का तरीका बदला है और हर कोई स्मार्ट टीवी परचेज कर रहा है ताकि आप अच्छे से इंटरनेट यूज कर सकें और काफी सारे कंटेंट उसको यूज कर सकें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कोडेक टीवी, जो एक हमेशा से अफोर्डेबल और क्वालिटी टीवी लाता रहा है, ने एक और नई शुरुआत करी है। तो कोडेक ने मैट्रिक्स सीरीज में QLED टीवी की लॉन्च कर दी है, वो भी 3 साइजेस में, यानी 50, 55 और 65 इंच। हमारे पास जो टीवी रिव्यू के लिए आया है कोडेक की तरफ से, वो 50 इंच का स्मार्ट टीवी जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है खास, क्योंकि इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं कोडेक के इस लेटेस्ट टीवी का। बट अनबॉक्सिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब DTV, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट मी शो यू दिस न्यूली लॉन्च्ड टीवी फ्रॉम कोडेक, विच इज मैट्रिक्स QLED टीवी। दोस्तों, कोडेक टीवी के बॉक्स के साइज बहुत ही बड़ा है और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको 2 टीवी स्टैंड्स मिल जाता है। इसके बाद देखा जाए तो आपको एक प्लास्टिक बैग मिलता है जिसमें आपको टीवी रिमोट और क्विक स्टार्ट गाइड, AV केबल्स एंड 2 रिमोट बैटरीज मिल जाते हैं। उसके बाद बॉक्स में आप देखो एक छोटा सा बॉक्स मिलता है इसके अंदर, जिसको आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको कुछ माउंटिंग टूल्स दिए जाते हैं अगर आप इसको हैंग करते हैं तो। अब टीवी को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, टीवी का साइज बहुत बड़ा है, तो चलिए अब इसे हम प्लास्टिक कवर से निकाल लेते हैं और इसके साथ जो स्टैंड आया है इससे हम इसको अटैच करके इसको कंप्लीट व्यू दिखाते हैं आपको। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की, यानी अनबॉक्सिंग होते वक्त आपने देख लिया होगा कि ये टीवी काफी बड़े साइज में है, यानी 50 इंच से ऊपर के साइज में लॉन्च किया गया है। हमारे पास जो टीवी आया है वो 50 इंच का टीवी है, लेकिन इसके डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग काफी एलिगेंट है। कोडेक का ये स्मार्ट टीवी काफी स्लीक बनाया गया है, यानी बिल्कुल लेस बेजल के साथ इसकी मेकिंग की गई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी की गई है जो कि आपको काफी एक स्लीक फील देने वाला है। इस स्लीक डिजाइनिंग की वजह से ये काफी एलिगेंट लग रहा है, यानी अगर आप इसको वॉल पे या टेबल टॉप पे रखते हैं तो इसकी बेजल लेस की वजह से काफी प्रीमियम फील देने वाला है, क्योंकि इसमें आपको आखिरी कॉर्नर तक आप इसके कंटेंट को देख पाएंगे। सो ओवरऑल डिजाइनिंग में ये टीवी हमारे इस टेस्ट में पास होता है, क्योंकि डिजाइन वाइज आपको कोई भी इसमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस टीवी की QLED 4K डिस्प्ले पर आपको 1.1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे ऑन डिस्प्ले कंटेंट काफी ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगा आपको। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी व्यूइंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर होने वाला है आपको इस टीवी के साथ। और इसमें आपको 550 निट्स ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है, यानी ओवरऑल आपकी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफी बेहतर हो जाती है इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। एंटरटेनमेंट के लिए आपको टीवी में लीडिंग OTT एप्स मिल रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल टीवी, वूट, Z5 एंड सोनी लिव जैसे और कई सारे आपको ऐप मिल जाते हैं OTT, यानी ये सारे OTT के ऑप्शन आपको उस टीवी में मिल जाते हैं, जिससे आप स्मार्ट टीवी को भरपूर यूज कर पाओगे। अगर आपको लगता है कोई इसमें एप्लीकेशन मिसिंग है तो आप गूगल प्ले स्टोर भी, जो इसके अंदर आ रहा है, इसमें इनबिल्ट मिल रहा है आपको, उसमें आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने फेवरेट ऐप्स को जो मिस लग रहा है आपको इस टीवी में। यानी स्टोरेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। तो इसमें जो आपको स्टोरेज मिल रहा है, यानी इसमें आपको जो रैम दिया गया है, तो 2 GB का रैम दिया जा रहा है, और अगर हम इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी जा रही है। साउंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करने के लिए आपको इसमें डॉल्बी इनबिल्ट सिस्टम मिलता है, यानी डॉल्बी एटमॉस का सेटिंग इसमें आपको इनबिल्ट मिलता है, जिससे आपकी साउंड क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है। डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपकी लिसनिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाएगा। यानी डॉल्बी के इन फीचर्स की वजह से आप OTT या फिर YouTube या कोई भी चीजें इस पे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, गाने सुनते हैं, तो आपको एक बेहतरीन लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी इसकी आवाज आपको काफी सूदिंग लगने वाली। इसमें आपको 40 वॉट का स्टीरियो बॉक्स स्पीकर मिलता है। इतना पावरफुल स्पीकर्स आपको मूवीज या स्पोर्ट्स मैचेस में सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देने वाला है। इस टीवी में आपको डिजिटल नॉइस फिल्टर भी मिल जाता है, इससे साउंड क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया,
गया है, यानी 2.4 GHz एंड 5 GHz वाईफाई आपको अनइंटरप्टेड वाईफाई कनेक्टिविटी देता है। साथ ही इनबिल्ट क्रोमकास्ट का भी ऑप्शन है, तो आप टीवी को अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये टेक्नोलॉजी भी आपको इस टीवी के साथ मिल रहा है। दोस्तों, इस कोडेक के इस नए टीवी में आपको कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी सारे सफिशिएंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। बैक पैनल पर आपको एक लैंड पोर्ट मिल जाता है, एक डिजिटल ऑडियो पोर्ट मिल जाता है, 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स, एक ANT और एक AV पोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गूगल टीवी है, तो आपको गूगल से रिलेटेड हर वो टेक्नोलॉजी इस टीवी में देखने को मिल जाता है जो कि आजकल ट्रेंड में है। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो मिल रहा है MT9062 प्रोसेसर और आपको माली G52 GPU मिल रही है इसमें। यानी इन पावरफुल प्रोसेसर की वजह से आपको टीवी में किसी भी लैगिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिमोट की। एज यूजुअल जो स्मार्ट टीवी में आज के ट्रेंड में जो रिमोट चल रहा है वो रिमोट आपको इसमें टीवी के साथ मिल रहा है। ये रिमोट काफ़ी स्लीक है, छोटे साइज में है और इसमें बटन्स जो है ऑलमोस्ट नील है, यानी पहले के मुकाबले जितने बटन्स होते थे रिमोट में उसमें उसके मुकाबले इसमें आपको 10% भी बटन्स देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का बटन भी डायरेक्टली दिया गया है जिसको प्रेस करके आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। जो 4 बड़े बटन्स इसमें हाईलाइट्स किए गए हैं, यानी वो आपको मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स के बटन, यूट्यूब के बटन, प्राइम वीडियो और एक बटन जो दिया गया है वो आपके फेवरेट ऐप्स के लिए है। यानी इस बटन से आप उन सारे ऐप्स को खोल सकते हो जो आपके फेवरेट हैं और जो आप कंटिन्यूसली देखते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव होता है। और आप इसमें अगर आपने सेव किया अपने फेवरेट्स में उस ऐप को, तो एक बटन के क्लिक पे आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको वो नॉर्मल सारे बटन्स हैं, यानी ऑन ऑफ करने के बटन हैं, यानी पावर ऑफ पावर ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है, एक होम बटन दिया गया है और तकरीबन एक सेटिंग बटन है इसमें। सो कहीं ना कहीं ये स्मार्ट रिमोट आपका और भी छोटा हो गया है और बहुत ही कम बटन्स इसमें देखने को मिलेंगे। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। 50 इंच जो हमारे पास आया रिव्यू करने के लिए उसकी कीमत है 33,999 रुपये। अगर आप इस टीवी को परचेस करना चाह रहे हैं तो ये टीवी एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और आप वहां से परचेस कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है तो आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर DTV वर्डिक्ट, जो हम हमेशा अपने रिव्यू के अंत में देते हैं ताकि हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, आपसे बता सके कि ये प्रोडक्ट हमारे यूजेस के दौरान कैसा परफॉर्म कर गया और हम इसको कितनी रेटिंग देते हैं। और हम अपने रिव्यू और यूजेस के हिसाब से हम इसे देते हैं 4-स्टार रेटिंग। कमेंट्स करके बताएं कि कोडेक का ये नया टीवी आपको कैसा लगा। इस कोडेक टीवी के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमसे जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब DTV, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हर न्यूज, रिव्यू और खबरें दिखाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेक वर्ल्ड से जुड़ी हुई हर न्यूज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।